नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड जितने भी फेजेज हैं, चाहे फेज 7 हो, फेज 8 हो, फेज 9 हो, चाहे फेज 10 हो, अब सारे ही फेज से रिलेटेड सबसे जेन्युइन अपडेट दिए जाते हैं। सारे अपडेट ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस और किसी न किसी ठोस प्रमाण के बेसिस पे होते हैं। आप देखेंगे इस चैनल पे फेज 7, 8, 9 और 10 के अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, जिसमें कि इतने सारे आपके जितने डाउट्स और जितने सारे क्वेरीज होंगे किसी भी फेज से रिलेटेड, वो सारे के आंसर आपको उस प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। आप जाकर ढूंढिएगा, उसको देखिएगा। सबसे पहले इस चैनल पर आए हैं, अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो इसको बिना लाइक करे तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का डेटा एनालाइज करना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या कहें, बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है। 10,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की बात करें, इसमें लद्दाख पोस्ट की बात नहीं की जाएगी, इसमें सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के नॉर्मल पोस्ट की बात की जा रही है। लद्दाख वाले पोस्ट के एनालिसिस की वीडियो बाद में अपलोड की जाएगी, ध्यान रखिएगा। फेज 10 में का जो एग्जाम हुआ था 1 तारीख से 5 तारीख तक, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ। अब तक आपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा, क्योंकि आंसर की आ चुका है तो आपने स्कोर देख लिया होगा। उसी बेसिस पे मैंने सर्वे कराया था, सर्वे में काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग मेरे पास कितने, लगभग मुझे लगता है कि 2000 के आसपास डेटा थे, जिसमें से लगभग 150-200 डेटा को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि ठीक से उसमें नहीं लिखे हुए थे सब कुछ। 2000 के आसपास थे, 200 डिलीट किया, लगभग 1800 के आसपास डेटा मेरे पास बचे। तो सारा काम यहाँ एवरेज का है, इसलिए डेटा इतना डिसेंट है कि आप आराम से एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि कौन से शिफ्ट का क्या रहा है। जो ये देखिए, सारे बच्चों का डेटा है जो आप लोगों ने मेरे पास भेजा है, इसमें मैंने आप लोगों से आपकी ईमेल आईडी, आपका एग्जाम लेवल, पोस्ट कोड, पोस्ट का नाम, आपकी कैटेगरी, आपका एक्चुअल मार्क्स और डेट ऑफ एग्जाम वगैरह, ये सब चीजें मैंने आपसे पूछा था, कौन से शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया। इसके बेसिस पे जो डेटा मेरे पास तैयार हुआ है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट की। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम भी 1 तारीख से 5 तारीख तक कराया गया। 1 तारीख में 4th शिफ्ट में कराया गया, 2 तारीख में 3rd शिफ्ट में, 3 तारीख में 3rd शिफ्ट में, 4th मतलब 4 अगस्त को शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में कराया गया, और 5 अगस्त में 3rd शिफ्ट में कराया गया। एवरेज स्कोर आपके सामने है। 1 अगस्त को आप देखेंगे कि 126 एवरेज स्कोर गया, तो वहीं 2 अगस्त को एवरेज स्कोर जो बच्चों का है वो 141 तक चला गया है। मतलब कि 2 अगस्त का शिफ्ट कंपैरेटिवली इजी होगा, तभी इतना ज्यादा गया है, क्योंकि एवरेज जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी झूठ नहीं होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट इतना ज्यादा डिफरेंस अगर देखने को मिल रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं 2nd अगस्त की शिफ्ट जो थी थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर हो सकता है। 3rd अगस्त को जो है वो एवरेज मार्क्स गया है आपका 135, 4th अगस्त को 125 और 4th अगस्त के शिफ्ट 4 में 130 गया है, 5th अगस्त के शिफ्ट 3 में 122 गया है। टोटल अगर देखे, जितने मैंने एवरेज स्कोर निकाले हैं, जितने शिफ्ट हैं, जितने डेट को एग्जाम हुआ है, अगर टोटल देखा जाए तो आपका एवरेज स्कोर हो रहा है 129। ये जो डेटा है ग्रेजुएशन लेवल का, वो टोटल 711 कैंडिडेट्स के सर्वे के बेसिस पे है। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट में फेज 9 में एवरेज स्कोर क्या था, तो फेज 9 में जो एवरेज स्कोर था वो था 126 फेज 9 का एवरेज स्कोर था। जब उस टाइम आप लोगों का डेटा आया था, तो उससे अगर आप मैच करेंगे तो थोड़ा सा एवरेज स्कोर, ज्यादा नहीं पर 3 मार्क्स के आसपास एवरेज स्कोर बढ़ा है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फेज 9 जो था वो फेज 10 के मुकाबले थोड़ा सा टफ हो सकता है। परसेंटेज की बात करें अगर अटेंडेंस की, तो फेज 9 के टाइम में जो बच्चों का परसेंटेज था अटेंडेंस का, वो 23% के आसपास था, और फेज 10 में 25% के आसपास है। 2% का इजाफा हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आप नहीं कहेंगे, लगभग उतना ही है। वैकेंसी की बात करें तो फेज 10 में 2065 वैकेंसी है, और फेज 9 में ये 3261 वैकेंसी था। ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट की बात हुई। इसके बेसिस पे जो भी आपके मार्क्स यहाँ पर आए हैं, एवरेज स्कोर जो है बच्चों के इस शिफ्ट में, इसके बेसिस पे अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो ध्यान रखिएगा एक और बात, नॉर्मलाइजेशन का एक प्रॉपर फॉर्मूला है जो एसएससी के वेबसाइट पे है,
उस फॉर्मूला के अंतर्गत यहाँ जितने भी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स दिखाए जा रहे हैं ये तब वैलिड होंगे जब आपका मार्क्स इस एवरेज मार्क्स से थोड़ा सा ऊपर हो, इसके बराबर हो, या मतलब आप एक डिसेंट मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, तब जाके ये जो स्कोर है वो वैलिड, ये एक्सपेक्टेड जो नॉर्मलाइजेशन है उसको वैलिड माना जा सकता है। लेकिन अगर आपका मार्क्स इस एवरेज स्कोर से बहुत ही ज्यादा नीचे फॉल करता है, बहुत ही ज्यादा, अगर नीचे, मान लीजिए एवरेज स्कोर 126 है लेकिन आपका मार्क्स मान लीजिए कि उस दिन सिर्फ 62-63 मार्क्स है, तब वैसे केस में हमने देखा है बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि आपका फिर नॉर्मलाइज मार्क्स जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है। जैसे अगर उस डेट को 13 से 15 मार्क्स अगर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले होंगे तो हो सकता है कि आपका इतना मार्क्स नहीं बढ़े। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके मार्क्स जो है वो एवरेज स्कोर से थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि आप जब फॉर्मूला उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या रही, आपने पॉजिटिव आंसर्स मतलब करेक्ट आंसर्स कितने दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग आपका जो मार्क्स है वो कितना उसमें डेविएशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन डिसाइड होता है। अगर इन एन एवरेज केस की बात करें, एक नॉर्मल केस की बात करें, तो 1 अगस्त को शिफ्ट 4 में जो नॉर्मलाइजेशन है वो 13-15 मार्क्स तक एक्सपेक्टेड है। जी हाँ, फेज 8, फेज 9, फेज 7 में भी नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा देखने को मिला था। आपको मैं बता दूं कि फेज 7 से ही नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो गया था और कुछ शिफ्ट ऐसे थे जिसमें कि 10 से 12, 13, 14 मार्क्स बढ़ते हुए दिखे थे फेज 7 में भी। फेज 9 में भी आपने देखा होगा कि फेज 9 का जो रिजल्ट आया है उसका तो अभी फाइनल रिजल्ट इस टाइम पे भी वो नहीं हुआ। फेज 8 का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें बच्चों के जो मार्क्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, हमारे ग्रुप में कितने सारे बच्चे हैं, उन लोगों ने बताया इस चीज को कि किसी के मार्क्स 8 मार्क्स, किसी के 9 मार्क्स, किसी के 10 मार्क्स, इस तरीके से बढ़े हुए हैं। हाँ, ये भी बात है कि कुछ शिफ्ट जो टफ होते हैं उसमें कुछ शिफ्ट है जो ईजी होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, और कहीं कहीं निगेटिव में भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखा गया है कि आपका मार्क्स कम हो जाए, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं। या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपका उस दिन का जो भी एवरेज मार्क्स था उसके अकॉर्डिंग अगर मार्क्स में किसी तरह का डेविएशन कम वाली साइड में दिखता है तो भी कभी कभी आपका मार्क्स जो है वो निगेटिव में चला जाता है। मतलब कि जहां पर एक्सपेक्टेड है कि 2 मार्क्स बढ़ना चाहिए, 1 मार्क्स बढ़ना चाहिए, वहां पर आपका हो सकता है कि 2 मार्क्स घट जाए, ऐसा भी होता है। 2 अगस्त में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मार्क्स बढ़ने के बहुत ही ज्यादा कम चांस है, बहुत ही कम चांस। 3 अगस्त की बात करें तो 5-6 मार्क्स बढ़ सकता है। 4 अगस्त की बात करें तो वहां अच्छे आपको नॉर्मलाइजेशन दिखेंगे, 15-16 मार्क्स बढ़ सकता है सेकेंड शिफ्ट में, और फोर्थ शिफ्ट में जो है वो 10-11 मार्क्स बढ़ सकता है, और 5 अगस्त के शिफ्ट में 17-19 मार्क्स तक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 अगस्त का जो पेपर है वो आपके सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर अभी तक देखा गया ग्रेजुएशन लेवल पे। 12th लेवल पोस्ट की बात करें तो 1 अगस्त को शिफ्ट 3 का एवरेज स्कोर 137 है, 2 अगस्त को 131 है, 3 अगस्त को 131 है, 4 अगस्त को 122 है, 5 अगस्त को 130 मार्क्स है। अगर ओवरऑल एवरेज स्कोर की बात करें सारा मिलाकर तो 132 के आसपास है। फेज 9 में जो था एवरेज स्कोर आपका 126 मार्क्स था, यहां पर 6 मार्क्स का इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि फेज 9 के मुकाबले इस बार का पेपर थोड़ा सा इजियर साइड में देखने को मिल रहा है, बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है। अटेंडेंस परसेंटेज आप सभी जानते हैं कि कितना रहा है, लगभग ये बराबर ही है। तो यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन देखें तो यहाँ पर फेज 12th लेवल पोस्ट पे मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा असर दिखेगा। 1 अगस्त में तो नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होगा ज्यादा। 2 अगस्त में अगर बात करें तो 5-6 मार्क्स सबको बढ़ सकते हैं, 3 अगस्त में 5-6 मार्क्स, वैसे ही 4 अगस्त में 4-5 मार्क्स, और 5 अगस्त में जो है वो 6-7 मार्क्स आपको इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। 10th लेवल पोस्ट की अगर बात करें तो 1 तारीख से 5 तारीख में सबसे ज्यादा जो है वो इन्हीं के शिफ्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 तारीख में भी 2 शिफ्ट है, 2 अगस्त में भी 2 शिफ्ट है, 3 अगस्त में भी 2 शिफ्ट है, 4 अगस्त में 1 शिफ्ट है, और फिर 5 अगस्त में 2 शिफ्ट है। एवरेज स्कोर आपका 1 अगस्त का 137 है फर्स्ट शिफ्ट का, 2 अगस्त का 135 है, 2 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में 129 है, और 2 अगस्त के फोर्थ शिफ्ट में 123 है, 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में 135, 3 अगस्त के शिफ्ट 2 में 128, 4 अगस्त के शिफ्ट 1 में 139, और 5 अगस्त में 139 और 122 है।
एवरेज स्कोर यहाँ पर 131.8 मतलब 132 के आसपास गया है। फेज 9 की अगर बात करें तो 125 एवरेज स्कोर था, तो यहाँ भी लगभग 7 मार्क्स का एवरेज स्कोर बढ़ा है, मतलब बच्चों ने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 1 अगस्त में आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलता हुआ दिखेगा। सेकेंड शिफ्ट में 1 अगस्त में 2 से 3 मार्क्स अगर हुआ तो हुआ, 2 अगस्त में आपको 10 मार्क्स के आसपास नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखेगा फर्स्ट शिफ्ट में, और फोर्थ शिफ्ट में 15 मार्क्स के आसपास बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 3 अगस्त में 2 से 4 मार्क्स, 3 अगस्त में 8 से 11 मार्क्स शिफ्ट 2 में, 4 अगस्त के शिफ्ट 1 में ज्यादा आपको इंक्रीज नहीं दिखेगा, 5 अगस्त में भी शिफ्ट 1 में ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखेगा, 5 अगस्त में शिफ्ट 4 में 15 मार्क्स के आसपास इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। ध्यान रखिएगा कि ये सारा जो है आपके सर्वे आपके एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग है, और इसमें जो है आप एक रैंक IQ नाम का वेबसाइट भी है, वहां पर भी जाके थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। बट हाँ, वहां पर जो है सिलेक्शन पोस्ट में मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको करेक्ट वो आपको मिलेगा, क्योंकि क्या है ना कि सिलेक्शन पोस्ट में फिर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि रैंक IQ में बहुत सारे बच्चों के माइनस में 40-40 मार्क्स दिखाए गए हैं, पर ऐसा आपको रेयरली देखने को मिलता है कि माइनस में बहुत ज्यादा हो। माइनस में होने का कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत सारे उसमें आप फॉर्मूला में देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन माइनस अगर होता भी है तो आपको SSC के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आपको 2-3-4 मार्क्स के आसपास आपको कम होता हुआ दिखता है, इससे ज्यादा आपको नहीं दिखेगा माइनस में। तो इसलिए ज्यादातर जो बच्चों के मार्क्स होते हैं वो बढ़ते ही हैं, किसी के बहुत ज्यादा बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू शिफ्ट, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, क्या उनका अटेम्प्ट है, क्या एक्यूरेसी उसके अकॉर्डिंग, और नहीं तो फिर या तो बढ़ेगा ही नहीं या फिर आधा मार्क्स 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स के आसपास बढ़ते हैं। अब एक बार समरी की बात करेंगे, लेकिन समरी से पहले ध्यान रखिएगा एक चीज, समझिएगा बात को, यहाँ पर जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ वो सेफ स्कोर जो है हर पोस्ट के लिए वैलिड नहीं होगा, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग रेगुलेशन हैं, सबके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबके अलग अलग वैकेंसीज हैं। अब जब भी इस तरीके की वीडियो में डालता हूँ मेरा व्हाट्सएप मेरा फोन भर जाता है कॉल्स और मैसेज से कि सर हम सेफ हैं कि नहीं, मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, कमेंट्स में भी कितने सारे पिछले वीडियो में हजारों कमेंट्स आ गए थे इतने मार्क्स बन रहे हैं ऐसा है वैसा है। तो ये आप लोग अभी इस पे बिल्कुल भी मत सोचिए। एक तरीके से सेफ स्कोर जो है वो किस बेसिस पे है, एक तो इस बार जो आप लोगों का एवरेज स्कोर बना है वो पिछले साल में जो एवरेज स्कोर बना था वो अलग अलग पोस्ट के पिछले साल में जो कट ऑफ गए थे वो, इन सब को देखते हुए पिछले साल मतलब पिछले फेज इन सब को देखते हुए एक सेफ स्कोर जो है वो यहाँ बनाया गया है। ये सेफ स्कोर पोस्ट टू पोस्ट वेरी कर सकता है, ये आपके एक तसल्ली के लिए कि आप समझिए कि आप एक सेफ जोन में है कि नहीं है। अगर इससे बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं तब तो आप सेफ जोन में नहीं है, लेकिन अगर इस रेंज में आप हैं तो कहीं नहीं कहीं आप इस कंपटीशन में बिल्कुल हैं, आप सेफ जोन में हैं। देखिए 10th लेवल पोस्ट जिसमें कि किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, वहां पे अगर आपका 175 मार्क्स से ज्यादा है तो आप सेफ हैं। 10th लेवल पोस्ट जहां पर एक्सपीरियंस या स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वहां पे 120 से 140 मार्क्स के आसपास अगर आप कैरी कर रहे हैं तो सेफ है। अगर आपके पोस्ट में बहुत ही भयंकर वाला कोई डिप्लोमा मांग लिया गया है या वैकेंसी अच्छी है तो इससे कम भी हो सकता है, फिर आप 100 मार्क्स पे भी सेफ हो सकते हैं, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। 12th लेवल पोस्ट अगर बिना किसी एक्सपीरियंस बिना किसी क्वालिफिकेशन के अलग क्वालिफिकेशन के तो 170 मार्क्स के ऊपर है तो आप सेफ हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। 12th लेवल पोस्ट में अगर एक्सपीरियंस या स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है और मैं अज्यूम करता हूं कि 10 के आसपास पोस्ट होंगे तो 120 से 140 मार्क्स आपके लिए सेफ हो सकता है। ग्रेजुएशन लेवल पे 150 से 160 मार्क्स और ग्रेजुएशन लेवल जिसमें एक्सपीरियंस या स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वहां 100 मार्क्स भी सेफ हो सकता है, ये आपकी पोस्ट और क्वालिफिकेशन और वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं जो आप लोगों को सेफ स्कोर जो है वो 100-100 मार्क्स दिखा रहे हैं, 110 दिखा रहे हैं जनरल पोस्ट का जिसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है, वो बिल्कुल बरगला रहे हैं, उस पर मत विश्वास करिएगा। टाइम इस पर वेस्ट न करके आगे के एग्जाम्स में प्रिपरेशन करिएगा। अगर किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो ट्रस्ट मी 100 मार्क्स पे ये एग्जाम क्लियर नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। एक्चुअल कट ऑफ का प्रेडिक्शन कब किया जा सकता है आपका, एक एक जो होता है ना कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है इस पोस्ट का, जब आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम का जब रिजल्ट रिटन एग्जाम का आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए जाएंगे, स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा,
तब आप मुझे मैसेज करिएगा, वहां पे अपने प्रीलिम्स के कट ऑफ मार्क्स, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पोस्ट का, स्क्रूटनी से पहले कितने कैंडिडेट्स थे, स्क्रूटनी के बाद कितने कैंडिडेट्स हैं, कैटेगरी क्या है आपकी, आपका मार्क्स क्या है और आपके पोस्ट में कितने वैकेंसी है। जब भी आप मैसेज करें, अगर आप फेज 9 के स्टूडेंट हैं, फेज 8 के स्टूडेंट हैं, आप अगर मैसेज कर रहे हैं तो इतना डिटेल जरूर भेजिएगा, तभी जाके एक कट ऑफ के रेंज का अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है। ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए सर्वे का एनालिसिस था, और बहुत ज्यादा आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे। मैं देख रहा था कोई वीडियो अपलोड हो रहा था, कोई पोस्ट जा रहा था, तो आप लोग कमेंट में इसी के बारे में पूछ रहे थे। तो ये आपके लिए, आप इस सर्वे को अच्छे से देखिए, इसके रिजल्ट्स को देखिए, और अब जो है अपने रिजल्ट का वेट करिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स के आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और सब कुछ अच्छा होगा अगर आपने अच्छा स्कोर किया है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।